नमस्कार नमस्कार जी अश्विन जी, नमस्ते। कैसे अनुभव सर में? सर मैंने एक गाड़ी लेनी है। हाँ जी, प्यागो की गाड़ी है, उसकी है? कीमत है 2,52,700, कंपनी दे रही है 2,52,700 रुपए कीमत दे रही है। और मेरे को स्कीम मिल रही है कि आरसी और इंश्योरेंस फ्री दे रही है कंपनी। ओके, और मैं चाहता हूँ कि डाउन पेमेंट देके बाकी का आपके बैंक से लोन कर लिया जाए। आपको नेट कितना चाहिए लोन? सर मेरे पास 72,000 ऊपर के 72,700 रुपए दे दूंगा, बाकी का 1,80,000 का लोन आपके बैंक से चाहिए। ठीक है, 1,80,000 का आपको कर्जा मिल जाएगा। तो ऐसा है कि हमारे बैंक ने बहुत सी स्कीमें निकाली हुई है, आपको जस्ट 7% पे ये कर्जा मिल जाएगा, पर प्रोसीजर है। ठीक है, तो मैं प्रोसीजर आपको बताना चाहूंगा अश्विनी जी। देखिए, सबसे पहले आप जो ये गाड़ी है, ठीक है, जो ये कर्जा लेना चाहते हो 1,80,000, ये किस बेस पे लेना चाहते हो? कोई सिक्योरिटी है आपके पास? नहीं, सिक्योरिटी तो नहीं है। मतलब आपके पास कोई मकान है? हाँ जी, देखो मकान में लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। ठीक है, आपका कोई गारंटी मिल जाएगी आपको? गारंटी मिल जाएगा, गारंटी मिल जाएगा। तो ऐसा है, सबसे पहले आप एक गारंटी लेके आइए। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट बार गारंटी। ठीक है, और वही व्यक्ति होना चाहिए जिसका अकाउंट हो। ठीक है, ओके। एक बात और है, उसका 3 इयर्स की इनकम टैक्स की रिटर्न होनी चाहिए। वो व्यक्ति आपके गारंटी दे सकता है जिसकी 3 इयर्स इनकम टैक्स रिटर्न हो। ठीक है, आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो? हाँ जी भरते हैं, 2 साल की भरी हुई है। नो सर, ये नहीं चलेगा, 3 साल की होनी चाहिए। ठीक है, 1 साल की और भर देंगे। हाँ बिल्कुल, 3 इयर्स की हमारी जो प्रोसीजर है बैंक का, तो 3 इयर्स की इनकम टैक्स की आपकी रिटर्न होनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये आपका पॉइंट हो गया। अब तीसरी बात है, आपको 4 ब्लैंक चेक देने होंगे हमें। ठीक है, इसी बैंक के देने या किसी बैंक के? किसी भी बैंक के दो, हमें ब्लैंक चेक हमें दे दो। ठीक है, ठीक है जी। और इसके बाद आपको एक और प्रोसीजर करना पड़ेगा। एक मिनट, मैं कॉल करता हूँ। कहाँ से आप ये कहाँ से गाड़ी लिया है? जी पटियाला से लिया जी। अच्छा, नंबर बताओगे उनका? हाँ जी, एक मिनट। नंबर आपका सेव है उसका मेरा? हेलो, अश्विनी कुमार जी ने आपसे गाड़ी ली है? ओके ओके ओके, तो इनका जो इंश्योरेंस है ना, आप हमारे नाम से होगा। अभी इनका फाइनेंस हम करा रहे हैं, हम फाइनेंसर हैं। वी आर टॉकिंग फ्रॉम द बैंक्स एंड यू हैव टू शो एज ए फाइनेंसर इन द इंश्योरेंस। ओके, यस, ठीक है। तो एक बात ये है कि आप मेरे को अपने जो, तो ये रजिस्ट्री तो नहीं ले रहा मैं, बाकी उसकी फोटोकॉपी मेरे को जरूर देना। रजिस्ट्री की फोटोकॉपी है। ठीक है, हाँ, तो ये भी आपका हो गया। एक मिनट, आपको मेरे साथ चलना भी पड़ेगा। ठीक है, मैं विटनेस देखना चाहता हूँ, जहाँ आप काम करते हो वहाँ भी क्या आपका जो गुडविल है ठीक है? ठीक है, आपका ये मकान कौन सा मकान नंबर है आपका? मकान नंबर 2672। 2672, ओके, 2672, वहां जाके ठीक है इंक्वायरी कर लेंगे। अच्छा, एक बात हो रहा है, अभी ये सारा प्रोसीजर क्लियर हो रहा है। ठीक, एक फाइल है हमारे पास 40 पेजों की, ठीक है, उसके ऊपर आपको साइन करनी पड़ेंगे। ठीक है, 40 साइन्स होंगे आपके। ठीक, और नेक्स्ट इन सभी केसों को क्लियर करने के बाद आपको हम एक बैंक ड्राफ्ट देंगे। ठीक है, जब आप ये क्लियर, आपने आपका गारंटी मिल जाएगी हमें, ठीक है, ब्लैंक चेक मिल जाएंगे और जो रिटर्न रिपोर्ट्स होगी वो चेक कर लेंगे हम। ठीक है सर, एक बात और, आपको स्टाम्प पेपर लेना पड़ेगा। ठीक है, लेके उसमें गारंटी वाला ये लिखेगा कि अगर आप नहीं देते पैसे हो देगा। ठीक है, आपने भी देने लिखना, स्टाम्प पेपर आपने साइन करने, उसके भी करा लिए। ओके, हाँ, और बताइए आपकी क्या इंक्वायरी है? एक बात हो रहा है, अभी आप मेरे को 500 रुपए दे दो। ठीक है, प्रोसीजर हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसकी प्रोसेसिंग फीस है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको बैंक ड्राफ्ट बना दिया जाएगा, आज ही मिल जाएगा ये लगेंगे? नहीं, जब तक ये कवर नहीं होगा प्रोसीजर तब तक हम दे नहीं सकते हैं। ठीक है ना, जब तक हम पूरी इंक्वायरी करेंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, अभी हम चलते हैं आपके साथ, वो आपका इनिशियल प्लेस देखते हैं। ठीक है, ओके, आप चलें। ठीक है।
क्योंकि हमें देखना पड़ता है ना कि आपका मकान है, कल को वो गारंटी वाले गारंटी नहीं देता तो मुश्किल हो जाएगी। ओके ठीक है ओके ओके आवश्यक।